हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग सोच रहे थे कि क्या बेसिस पे वीडियो बनाया जाए। सो सडनली हम लोगों को मॉर्निंग को एक आइडिया आया कि आज बंगाली ट्रेडिशनल फूड में फूड हम खाने वाले हैं, लाइक माछेर झोल। सो यहाँ पे पूरा एकदम प्लेन सादा बंगाली स्टाइल का खाना बनाया है। ये माछेर झोल है, यहाँ पे चटनी, पापड़, सलाद और जो बंगाली लोग खाते हैं खाने के साथ में लौंका और ऑनियन विथ सॉल्ट। और सारा कुछ खाने के बाद में यहाँ पे है जलजीरा भी रखा हुआ है, और ओब्वियसली स्पाइसी खा रहे हैं तो ग्लास ऑफ वाटर। और आपको कुछ बोलना? इसमें सबसे मेन बात है ईच 1 केजी राइस है दोनों के प्लेट में, उनके प्लेट में भी 1 केजी राइस है, मेरे प्लेट में भी 1 केजी राइस है। देखते हैं कौन खा पाएगा, कोई चैलेंज नहीं है, मतलब खाली खाना है और खत्म करना है, वेस्ट नहीं करना है, फूड को वेस्ट नहीं करना है, खाना है। एक एक किलो का राइस का टारगेट किया है आज, और साथ में कुछ कुछ आइटम है तो मिला के 150 किलो हो जाएगा। सॉरी 150 बोल दिया, 1.5 किलो हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं, भूख भी बहुत ज्यादा लग गया है। सो स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पानी। माछेर झोल, झोल माछेर। मैं सलाद से स्टार्ट करूंगा। पर बीवी जब भी बनाए उसको अच्छा ही बोलना पड़ता है। क्योंकि 1 केजी राइस बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली आपका जो 1 केजी राइस खाना था हम लोगों को, इसलिए हम लोगों ने सुबह ब्रेकफास्ट पे थोड़ा सा खा लिया था, उसके बाद में कंट्रोल करके रख लेते हैं। ताकि पूरा बर्तन चट कर जाए। आप सबको पता है मेरा मम्मी हमेशा ही मैं छोटी थी तो मुझे मेरा मम्मी झड़प काटा अलग करके देखती थी, अभी बहुत याद आता है। सारा कांटा अलग करके गोल गोल करके रख देती थी और सारा खा लेती थी। तो मेरा हो गया, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मछली कांटा हटा के खाने का, क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्टी है। पहला जो बात बोला था वो उसके लिए माफी, फिश बहुत अच्छा बनाया है। गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, यहाँ
यहाँ पे नहीं सभी जगह में अभी गर्मी बहुत ही ज्यादा होगा। आप सभी कमेंट करना आप लोग के घर में नहीं आप लोग का जगह में कैसा तापमान किस टाइप की क्या तापमान गर्मी है कि बारिश है बता दीजिएगा। जब आप लोग कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है हम लोग को कमेंट पढ़ने में और आप लोग को रिप्लाई करने में। अब मैं इसको फोड़ने वाला हूँ जलजीरा। जलजीरा बहुत अच्छा ऑप्शन है इस टाइम ये गर्मी के लिए क्योंकि मैं तो हो गया। फिश को वेस्ट नहीं करना है। हाँ मेरे यहाँ पे है ना पुसी केक वो खा लेगा। बहुत ही स्पाइसी है बहुत ही स्पाइसी। मुझे तो फिश बहुत पसंद है। इन्होंने बनाया पसंद तो आना ही पड़ेगा ना। मुझे जिसने बनाया वो भी फिश पसंद है। इसी बात पे हमारे जितने भी बंगाली भाई बहन काकी माँ दीदी माँ दादा माँ जितने भी है सब लोग लाइक कर दे इस वीडियो को। माचर जोल की कसम आपको माचर जोल सलो मोशन धीरे धीरे खाने से क्या होगा। कहीं पे हम लोग का ट्रेन छूट रहा है जैसे सोलो मोशन किंग क्वीन सोलो मोशन क्वीन। कोई इतना स्लो भी कैसे हो सकता है जैसे देख रहे हो वैसे। जब भी आप फिश खाओ कभी जल्दबाजी में मत खाना क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये नोट कर दे रख लेना ये बात नोट किया जाए। मेरा मतलब लिख के रख लेना ना ना ये बात नोट किया जाए। Ah.
आने दो फिनिश मच्छी की क्या है इसको खरीद के तो लॉस हो गया मेरा काटा ही काटा ज्यादा है अच्छा ज्यादा चिकन ही दिखता क्या फिनिश फिनिश लास्ट लेंडू पेंडू हो गया खाके और मतलब फिनिश हिल भी नहीं पाऊ हिलना मैडम मेरे खाके बहुत ज्यादा हो गया आप बोल दीजिए आज जो बोलेगी सब मैडम बोलेगी मैं अपना काटा छानते रहता हूँ तब तक मैडम बोल दीजिए बहुत देर ज्यादा ही खा लिया अब हिलने डुलने में भी मुश्किल हो जाएगा कितने टाइम तक वॉक करना पड़ेगा पता नहीं और इसके बाद हम लोग का आदत क्या होने वाला है 1 kg राइस कम नहीं होता है आप सभी को पता होगा और हम लोग ने आज ये वीडियो इसीलिए बनाया था कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर बंगाली सब्सक्राइबर है उन लोग का थोड़ा लॉकडाउन के टाइम में थोड़ा ये माछेर झोल का माछेर झोल नहीं बंगला में के बोलते हैं बच्चा माछेर झोल झोल माछेर झोल रेसिपी थोड़ा मैंने इसका रेसिपी भी डाल दिया है वो भी देख लीजिए और जितने भी बंगाली भाई बहन जो भी है जो हमारे चैनल में हमारी फैमिली है वो सब लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो ऑलरेडी कर दिया है और जितने भी आप लोग का फ्रेंड्स सब है बंगाली फ्रेंड्स सब है उनको भी शेयर कर देना और सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना आज के लिए इतना ही मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ मिलते हैं ऑब्वियसली मिलते हैं पर मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ आप इस वीडियो को 3 लोगों को शेयर कीजिए और उन 3 लोगों को बोले और 3 लोगों को शेयर कीजिए ऐसे करते करते ना बड़ा फैमिली बनाना है मतलब बहुत जल्दी बहुत बड़ा फैमिली बनाना है ताकि हमको भी मजा आता जाए आप लोगों के सामने आने में आप लोग का हर कमेंट जो भी आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं हम लोग को बहुत अच्छा लगता है दिल से बोल रहे हैं ऐसे ही आगे भी बढ़ाना है इस फैमिली को इस फैमिली को बढ़ाने के लिए आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरत है हमें और मेरा मैं हिंदी थोड़ा थोड़ा रुक रुक के बोलती हूँ क्योंकि मुझे उतना अच्छे से नहीं आता फिर भी आप लोगों के लिए मैं ट्राई करती हूँ और एक दिन हम लोग का फैमिली भी बढ़ेगा और मेरा हिंदी भी सुधर जाएगा इसीलिए फैमिली बढ़ाने के लिए भी हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और आपको कुछ बोलना है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एंड खुश रहें